तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही होंगे कि आज जफर किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एड आपके फोन में क्यों आते हैं और उनको हटाना कैसे है। तीन रीजन दूंगा और एक प्रो टिप भी है जो कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। और ये जितनी भी ट्रिक्स है जो आपको मैं बताने वाला हूँ उनको करते ही आपके फोन से ऑलमोस्ट हर टाइप के सारे एड हट जाएंगे। तो एड आने का पहला रीजन ये है, कोई अनवांटेड एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो गई है। जब कोई आपके ब्राउजर से कोई भी ऐसा मोड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, मोड मीन्स आप समझ गए होगे कोई गेम या फिर कोई एप्लीकेशन जिसमें इन-ऐप परचेज है या फिर फ्री का कुछ उसमें नहीं मिल रहा है, तो आप उसके ऐसे फीचर्स को यूज करने के लिए जिसके लिए आपको पे करना पड़ रहा था आप मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो। वो गेम भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है जिसको आपने ब्राउजर से डाउनलोड किया है। अब होता क्या है, उसके साथ में कई बार मालवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन वो एप्लीकेशन आपको आपके जो ऐप लिस्ट है उसमें दिखती नहीं है, मतलब इंस्टॉल जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं दिखती है। उसको ढूंढ कर डिलीट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग ओपन करनी है, वहाँ पे ऐप सर्च करना है, ऊपर सर्च बार आता है, ऐप सर्च करो, ऐप लिस्ट खुल जाएगी, ऑल ऐप्स में जाना है और फिर उसके बाद में आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसका आइकन भी नहीं है और नाम भी नहीं है, कई बार उसका नाम होता है लेकिन कई बार नाम नहीं भी होता है, यानी कि उसका एप्लीकेशन का आइकन आपको व्हाइट कलर का दिखेगा और उसका नाम भी आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है। तो आपको उसको ओपन करना है और अनइंस्टॉल कर देना है। उससे फिर ऐसे एड्स जो कि ऑटोमेटिक कुछ भी यूज़ करते टाइम आपके होम स्क्रीन पर शो हो जाते थे, यानी कि आप YouTube चला रहे हो, आप WhatsApp चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, फिर चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, लेकिन अचानक से एड ओपन हो जाता है और ऐसे में आप उसको बैक भी नहीं कर सकते, तो इस टाइप के एड जो है वो हट जाएंगे। दूसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, कई बार आप किसी भी ब्राउज़र पे जब वेबसाइट एक्सेस करते हो तो वहाँ पर अलाउ वेबसाइट टू शो नोटिफिकेशन ऐसे करके कुछ एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है जिसको अलाउ कर देते हो कई बार गलती से, कई बार आपका ध्यान नहीं रहता हम अलाउ कर देते हो किसी वेबसाइट को कुछ भी डाउनलोड करने का या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन करी, तो आप उस साइट को अलाउ कर देते हो नोटिफिकेशन शो करने के लिए, तो नोटिफिकेशन आपके जो नोटिफिकेशन बार है वहाँ पर दिखता रहता है, नए नए नोटिफिकेशन आ जाते हैं और पूरा नोटिफिकेशन बार भर जाता है। तो उसको हटाने का तरीका बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक दूंगा आपको, ज़्यादा स्टेप्स नहीं बताऊंगा जिससे आप कन्फ्यूज हो जाओ। सबसे पहले अपने क्रोम पर या फिर किसी भी ब्राउजर पर क्लिक करके रखो, ऐप इन्फो आएगा, ऐप इन्फो पर क्लिक करो और वहाँ से उसका डेटा क्लियर कर दो, जितना भी डेटा है ऐप डेटा वो सब क्लियर कर दो, तो आपने जितना भी अलाउ कर रखा होगा वो सब ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा और वो नोटिफिकेशन जो आते हैं इरिटेटिंग नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बार पे वो सब हट जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा रीजन बता देता हूँ, तो तीसरा रीजन ये होगा, जब आप कोई नया फोन ले रहे हो तो आप देखोगे उसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन रहती है, वो एप्लीकेशन या फिर गेम कुछ भी हो सकते हैं वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, कई बार उनकी वजह से भी आपको एड्स देखने मिल सकते हैं। उनमें से कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, वो सिस्टम की एप्लीकेशन होती है, तो आपको देखना है अगर वो आपकी यूज की नहीं है तो आपको उस पर क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है, अगर आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो तो कर दो, फायदे में रहोगे, अदरवाइज आपको उसे फोर्स स्टॉप करके डिसेबल कर देना है, तो ऐसे में वो बैकग्राउंड पे रन होनी भी बंद हो जाएगी और उसकी वजह से अगर इनकेस आपको कोई एड दिख रहा था तो वो भी दिखना बंद हो जाएगा। तो ये तीन रीजन ऐसे हैं, अगर इनकी वजह से आपको एड दिख रहा है तो मैंने आपको तरीका बताया, उसको फॉलो करके आप एड को हटा सकते हो, ऑलमोस्ट सारे हट जाएंगे। फिर भी एक प्रो टिप जो वीडियो के एंड में आने वाली थी वो भी आपको बता देता हूँ, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना सेटिंग ओपन करना है, उसमें DNS सर्च करना है, अब आपको DNS पे क्लिक कर लेना है, फिर हम नीचे देखोगे स्क्रॉल करके तो वहाँ पे आपको दिखेगा प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, उसमें स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर आपको सिर्फ इसको वहाँ पर लिख देना है, वहाँ पर टाइप कर देना है जो भी लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर उसको, और फिर सेव कर देना है। अब इससे होगा क्या, जब भी आप कोई किसी भी ब्राउजर पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उस वेबसाइट में आपको ऊपर बीच में अलग अलग जगह पर एड्स दिखते हैं, आप सही से वेब ब्राउजिंग नहीं कर पाते हो, तो उस टाइप के एड कम्प्लीटली हट जाएंगे। और जब भी आप कोई वेबसाइट चलाओगे तो उसमें जो एड के स्लॉट होते हैं वो आपको एप्टी मिलेंगे बिल्कुल खाले, और जो एड्स पॉपअप हो जाते थे वो एड्स भी आने बंद हो जाएंगे, तो इससे आपके जो भी ब्राउजर पे एड्स आते हैं वो हट जाएंगे। जो भी मैंने आपको टिप्स दी है अभी एड्स को हटाने के, इनको फॉलो करो, आपके फोन में जितने भी एड्स आते हैं ऑलमोस्ट सारे हट जाएंगे। फिर भी अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर इस वीडियो से आप कुछ हेल्प मिली हो तो फिर आप जरूर लाइक करना और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।